फ्रेंड्स, एयर फिल्टर जो आपने बाइक का स्कूटर का इसे निकाल के फेंक दो, इसका जरूरत है ही नहीं। इसके जगह पे आप ये जो रूई है इसका यूज करो, और इसे यूज करने की वजह से आपके गाड़ी का जो माइलेज है मैं आपको बता रहा हूँ वो दोगुना हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ उस महान मैकेनिक से जिसने इसका आविष्कार किया कि भाई एयर फिल्टर हटाओ और रूई का यूज करो। पहले उनसे आप समझ लो, फिर मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। कोई भी गाड़ी है अगर माइलेज नहीं दे रही है तो मैं इसमें ऐसा जुगाड़ कर दूंगा, 2 मिनट के अंदर आप बिल्कुल 70-75-90 का माइलेज ला सकते हो। 90 का माइलेज ले आओगे और बिना खर्चे के, मात्र 10 रुपए के खर्चे से आप बिल्कुल 70-75-90 का माइलेज ला सकते हो। जीवन में आप माइलेज से परेशान नहीं होंगे। क्या करना होगा भाई? ना ये होगा, आप लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, हमारा होता है फिल्टर, ये फिल्टर हो गया। आप लोग मैकेनिक दुकान पर पास जाते हैं, ये गंदा हो जाता है, बता देता है बेकार हो गया, डलवाने की आवश्यकता ही नहीं है, फिल्टर का कोई काम ही नहीं है। मार्केट के अंदर जाना है, किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाए और 10 रुपए की रुई मिलेगी। रुई सिर्फ जैसे हम लोगों की नाक होती है उसी प्रकार से फिल्टर होता है, सांस लेने के लिए उसमें लपेटना है। अभी हम बता रहे हैं, हमारा काफी मोटा है, इसे मैं फिल्टर बना रहा हूँ। फिल्टर खराब होता तो इंजन बैठने लगता है और जल्दी सर्विस उसी प्रकार से लगा देना है। फिल्टर का काम खत्म हो गया, आप लोगों को फिल्टर डलवाने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से अब आप दिखा सकते हो, ये दिखा सकते हो, अभी ढक्कन को मैं लगा रहा हूँ आराम से, ये दिखा सकते हो, बिल्कुल नए की तरह आवाज हो गई। 70-75-90 का माइलेज देगी भाई, मैं गारंटी आऊँ, छोटा सा जुगाड़ है, आराम से कर ले। एयर फिल्टर का काम खत्म नहीं होगा, उल्टा इंजन का काम खत्म हो जाएगा। आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान से समझ लो। अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे ये जो कॉटन वूल है जिसे वायरल वीडियो में कहा गया कि भाई इस्तेमाल करो, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। साथ ही मैंने कुछ बाइक्स के जो एयर फिल्टर है वो भी यहाँ पे रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आप समझो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, ये जो एयर फिल्टर होता है अलग अलग बाइक में, अलग अलग स्कूटर में, अलग अलग डिज़ाइन का होता है, अलग अलग मटेरियल का होता है, अलग अलग साइज और शेप का होता है। एक तरफ जहाँ इस एयर फिल्टर का काम होता है कि भाई हवा को फिल्टर करना, जो इंजन के अंदर में हवा जा रहा है वो फिल्टर्ड एयर को भेजने का काम इस एयर फिल्टर का होता है, चलो वो तो सही है, बट इसका एक इंपॉर्टेंट काम ये भी हो जाता है कि जब हम लोग अलग अलग स्पीड पे, अलग अलग आरपीएम पे अपने बाइक और स्कूटर को चलाते हैं तो इंजन के आरपीएम के हिसाब से जो इंजन के अंदर में हवा जाए, फिल्टर्ड हवा जाए, वहाँ हवा पहुँचाने का भी जिम्मेदारी इस एयर फिल्टर की ही होती है। तो इसका रोल ऐसा कोई निगलेक्ट करने वाला नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कई वीडियोज में आपको समझाया। आप यहाँ पर पहले देख लो कि ये जो बोला जा रहा है कि भाई आप कॉटन वूल का रुई का यूज कर लो, तो एक तो फिल्टर चलो हवा वो करेगा नहीं करेगा वो दूर की बात है, बट यहां पे जो देख लो आप, मैं आपको शो करता हूं लेयर्स कितना ज्यादा होता है। अगर आप पतला भी यूज कर लोगे तब भी ये जो लेयर है ये बहुत ज्यादा है, ये हवा को इंजन के अंदर में जाने ही नहीं देगा, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होता है, ये इवन होता है। कंप्लीट जो यहां से यहां तक जो मटेरियल है वो इवन होता है, यहां पर क्या कि कहीं मोटा है कहीं पतला है। और मैंने आपको कई वीडियोज में समझाया कि इंजन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल नहीं जलता पावर को प्रोड्यूस करने के लिए, इंजन के अंदर में हवा भी जाता है, वो हवा पेट्रोल के साथ मिक्स होता है और एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो जलता है इंजन के अंदर में, जिससे कि इंजन पावर प्रोड्यूस करता है। और जो हवा जा रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसकी जिम्मेदारी होती इस एयर फिल्टर की। चलो ये तो बहुत दूर की बात हो गई, अगर ये एयर फिल्टर जो है वो अगर बहुत ज्यादा गंदा, काफी लंबे समय से आपने चेंज नहीं कराया, साफ नहीं कराया, तो भी इंजन को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है। ब्रीदिंग का मतलब हुआ कि इंजन के अंदर में हवा नहीं जाता है, इंजन के अंदर में पेट्रोल ज्यादा जलने लगता है, और ज्यादा पेट्रोल जलने से क्या होता है कि एक तरफ जहां माइलेज कम होता है वहीं दूसरी तरफ इंजन में ओवरहीटिंग, नॉइज, वाइब्रेशन, कई बार नॉकिंग का, कई बार प्रीग्निशन का प्रॉब्लम आने लगता है। तो वैसे ही भाई हमें इसे अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना होता है, लेकिन कई बार ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं जहां पे कह दिया जाता है उल्टा पुल्टा चीजें और लोग उसे मानने लगते हैं। तो ये जो कॉटन वूल है, जो रुई है, इसको यूज करने के वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा आपको इंजन के अंदर में। एक तो इंजन का ब्रीदिंग सही नहीं होगा, इंजन के अंदर में हवा कम जाएगा, हो सकता है बिल्कुल नहीं जाए, और जाए तो कम जाए या रुक रुक के जाए। फिल्टर करने की तो बात अलग हो गई, इंजन में जो कंबशन है वही सही नहीं होगा। तो आप इस वाली गलती को बिल्कुल नहीं करें। और कई बार इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स एंड रील देख के लोग उसे फॉलो करने लगते हैं, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये जो वीडियो है ये बिल्कुल फेक है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, इससे माइलेज तो नहीं बढ़ेगा लेकिन इंजन को बहुत ज्यादा नुकसान जरूर से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि बहुत सारे लोग इस तरह के जो रील, जो वायरल रील होते हैं उन्हें देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। बहुत से लोग अपना दिमाग लगाते नहीं है और सोचते भाई ये तो बहुत मस्त जुगाड़ है, एयर फिल्टर को चेंज नहीं करना पड़ेगा, बार बार इसे लगा दो, ये सस्ता आता है, 5 रुपए 10
₹50 में इतना ज्यादा मिल जाता है, बट ऐसा करने के वजह से आपकी गाड़ी में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। माइलेज तो दूर की बात होगी, माइलेज तो आप छोड़ दो भाई, आपकी गाड़ी का जो इंजन है वही नहीं बचेगा। तो आप इस तरह के वायरल वीडियोस को देख के गलती मत क्या करो, थोड़ा सा फैक्ट से उसकी जानकारी रखा करो, जो कि अक्सर आपको इस चैनल पर मिलता है। तो इस रूई को एयर फिल्टर की जगह आप कभी भी यूज मत करना, ये वाली गलती आप बिल्कुल भी मत करना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।